आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है व्हाट्सएप में भी और कमेंट सेक्शन में भी कि वॉट्स पर लगाने के लिए मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक क्रीम या होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं जिससे वो आसानी से झड़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोडक्ट्स बताऊंगी, दोनों ही लोकल एप्लीकेशन के लिए है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक क्रीम है, जिसको अगर आप अपने मसों के ऊपर लगाएंगे तो आपके मसे झड़ जाएंगे। दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ और दोनों से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। एज वी आर नाउ फैमिली ऑफ 200K प्लस ऑन यूट्यूब, सो हियर आई एम थैंकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हर व्यूअर्स को, हर सब्सक्राइबर्स को, हर एक उन सदस्य को जो मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, सो जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, वॉट्स पे लगाने के लिए दो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ और वो बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो अगर आपने वीडियो ये वाली रिक्वेस्ट की है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिखा है, और अगर आप वॉट से सफ़र करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख सकते हैं, आपके काम आएगी। एंड अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉट्स जो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर बम्प फॉर्मेशन हो जाता है जो HPV की वजह से होते हैं, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। मैं पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ, आप देख लीजिए। ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, बॉडी की स्किन में किसी भी लोकेशन पे ये हो सकते हैं, फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे, ऑल ओवर बॉडी कहीं पर भी हमको मसे देखने मिल सकते हैं। इनका जो साइज़ होता है, इनकी जो क्वांटिटीज़ होती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वराई करती है। किसी को सिंगल होते हैं, किसी को मल्टीपल होते हैं, किसी को लार्ज इन साइज़ होते हैं, किसी को स्मॉलर होते हैं, बंचेस में होते हैं। इस तरह से हर पेशेंट में ये अलग अलग होता है। ऐसे ही सेम वॉट्स के अलग अलग टाइप भी होते हैं, लाइक फ्लैट वॉट्स होते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, हॉर्नी होते हैं, फिग होते हैं। सो आज जो दो मेडिसिन हम वॉट्स पर लगाने के लिए जानेंगे वो जनरल मेडिसिन है, और आपको किसी भी तरीके के वॉट्स हैं, किसी भी टाइप के वॉट हैं, कितने भी पुराने हैं, एक्यूट हैं, बॉडी में कहीं पर भी हैं, कोई भी एज के पेशेंट को है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज़ थूजा मदर टिंचर, जो मैं यूज़ करती हूँ एसबीएल थूजा रोल ऑन। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मेरे पास है, दिस इज़ एसबीएल थूजा रोल ऑन, आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये 10 ml का रोल ऑन आता है। इसके अंदर सिंपली ये जो हमारे परफ्यूम बॉटल्स में जिस तरीके का रोलर होता है वैसा रोलर प्लेस किया है, और 10 ml की बॉटल है ये। मैं पर्सनली इसलिए प्रेफर करती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए बिकॉज़ मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इजी टू कैरी है, कन्वीनियंट टू यूज़ है। आप चाहें तो थूजा मदर टिंचर किसी भी ब्रांड का, इंडियन या जर्मन, परचेज कर सकते हैं, या फिर लूज़ भी परचेज कर सकते हैं लोकल होम्योपैथिक स्टोर से, और उसे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो सिर्फ थूजा मदर टिंचर ही है। और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, 10 ml का इसका जो प्राइस है वो 35 rupees है। लोकल होम्योपैथिक स्टोर्स पे ये बहुत आसानी से मिल जाता है और इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, अभी आगे मैं बताऊंगी। सो द फर्स्ट मेडिसिन फॉर लोकल एप्लीकेशन ऑन वॉट्स इज दिस थूजा रोल ऑन SBL कंपनी का। नाउ टॉकिंग अबाउट थूजा, तो थूजा बहुत ही वेल नोन फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, वॉट्स पे यूज़ की जाती है, पेशेंट्स खुद से भी इसे यूज़ करने लग जाते हैं लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए। सो ये थूजा हर तरीके के वॉर्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। आपके वॉर्ड सिंगल हैं, मल्टीपल हैं, कैसी भी ग्रोथ है उस पर अगर हम थूजा को लोकली अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे करके श्रिंक होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। थूजा मदर टिंचर को बेसिकली आप पॉलिप्स में, ट्यूबर्कल्स में एंड वॉर्ड्स में, यानी कि मसों में लोकली अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो थूजा हैज़ अ वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल एक्शन व्हेन अप्लाइड लोकली, तो आप इसे वॉर्ड्स पे जब लगाते हो अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या कुछ है तो ये उसे
भी कवर करती है. सो ये सिंपल थूजा रोल ऑन है और इसको कैसे यूज़ करना है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. तो इसके अंदर जैसे हमारे परफ्यूम बॉटल में इत्र बॉटल में जैसा कि रोलर होता है वैसा रोलर है और सिंपली जहाँ पे भी आपको वॉर्ड्स हैं उस पे उस जगह पे आपको ऐसे रोल करके इसे लगाना है एंड छोड़ देना है. आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में आपको किसी भी एसेसिटी टूल बर्ड या फिर कॉटन स्वैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अप्लाई करने के लिए. तो ये है इसको अप्लाई करने का तरीका. अगर आप मदर टिंचर लेकर आए हैं लूज तो सिंपली आप मदर टिंचर को डायरेक्टली कॉटन बर्ड में या रुई में लेकर और अफेक्टेड एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं. और द सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप उसे वैसलीन पेट्रोलियम जेली में या कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं. वैसलीन पेट्रोलियम जेली में यूज़ कर रहे हैं तो आप 50:50 रेशियो में या कोकोनट ऑयल में भी मिक्स कर रहे हैं तो 50:50 रेशियो में मिक्स कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए और डेली उसमें से आप थोड़ा रिक्वायर्ड अमाउंट में लेकर और अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर अफेक्टेड एरियाज. दिन में आपको 3 बार इस तरीके से इसे अप्लाई करना है. इसका प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 35-40 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे. ऑनलाइन आप इसे परचेस कर सकते हैं healthmug.com से या होम्योमार्ट से. नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेकेंड क्रीम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वॉर्ड्स के लिए और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी हेयर इन शेड्यूल और ई कंसल्टेशन में भी मैं इसे बहुत टाइम से अपने पेशेंट्स को दे रही हूँ वॉर्ड्स पे लगाने के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं. सो दी क्रीम इज़ मेडिसिन कंपनी की वॉर्टेक्स जो कि स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर वॉर्ड्स एंड कॉर्न्स ऑफ ऑल काइंड्स. किसी भी तरीके के कॉर्न्स हैं, किसी भी तरीके के वॉर्ड्स हैं यानी कि मस्से हैं उसमें आप इस क्रीम को लोकली अप्लाई कर सकते हो. द कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग. इसके अंदर 3 बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो वॉर्ड्स में और कॉर्न्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं. ओरली ली जाए तब भी एंड लोकली अप्लाई की जाए तब भी. इसकी जनरल पैकेजिंग एंड प्राइस डिटेल मैं पहले आपको दे देती हूँ. सो ये 20 ग्राम क्वान्टिटी पैकेजिंग में ट्यूब आती है, इसके अंदर जो ट्यूब है एंड इसका प्राइस है अराउंड 100 रुपीज़. इस तरीके से ये ट्यूब पैकेजिंग में प्रोडक्ट आता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मेडिसिन क्रीम जो कि बहुत अमेजिंग है. तो पहली मेडिसिन है इसके अंदर वो है एंटिम क्रूड. एंटिम क्रूड वॉर्ड्स एंड कॉर्न्स के लिए लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है. सेकेंड मेडिसिन है इसके अंदर कैल्केरिया फ्लोर जो किसी भी तरीके की ग्रोथ को कट डाउन करने के लिए, उसे श्रिंक करने के लिए, बॉडी से हटाने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है. द थर्ड मेडिसिन इज ऑब्वियसली थूजा ऑक्सीडेंटलिस इन मदर टिंचर फॉर्म जो मैंने पहले बता दिए थूजा के बेनिफिट. तो ये 3 मेडिसिन है. जो क्रीम बेस इसमें यूज किया गया है वो नॉन स्टेनिंग है, वाटर बेस्ड है, चिपचिप नहीं होगा लगा के, उसका दाग नहीं दिखेगा और अगर आप लगा के दिन में बाहर भी जाते हैं तो भी वो नज़र नहीं आएगा, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है. ये मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लगता है और ये बेनिफिट पेशेंट अलग से आकर मेंशन भी करते हैं मेरे पास क्लिनिक में. सो ये इसका कॉम्पोजिशन है, इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. हर तरीके के स्किन टाइप वाले लोग, किसी भी एज के पेशेंट इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव है तो आप एक बिल्कुल थोड़ा सा पैच टेस्ट एक किसी भी वॉर्ड के ऊपर लगा के कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में 24 आवर्स वेट करिए और फिर उसके बाद फिर आप एडिक्वेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दी नेक्स्ट डे. इसको आप वॉर्टेक्स क्रीम को आप कैसे यूज़ करेंगे? सो सिंपली ट्यूब पैकेजिंग में क्रीम आती है, डिस्पेंसिंग बहुत आसान है. आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है अपने फिंगर टिप के ऊपर या कॉटन बट के ऊपर और अपने वॉर्ड वाले जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है, जो पर्टिकुलर वॉर्ड्स हैं उसमें अच्छी तरीके से लगाना है जड़ से लेके ऊपर तक और छोड़ देना है. ज़्यादा मसाज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है. इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार आप इसे अप्लाई करें वॉर्ड्स के साथ साथ, यानी कि किसी भी प्रकार के मसलों के साथ साथ आप वॉर्टेक्स को कॉर्न्स में भी यूज़ कर सकते हैं. कॉर्न्स आपको पाम में है या फिर फीट में है, सोल में है, पेनफुल है, पेनलेस है, अगर वो प्रॉब्लम भी है आपको तो आप उसमें भी इसे अप्लाई करिए. कॉर्न्स को भी बहुत इफेक्टिवली हील करने में ये हेल्प करता है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि वॉर्ड्स में सिर्फ लोकल एप्लीकेशन
नहीं काम आता है हर पेशेंट में. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में, जिनके मसे सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से भी ठीक हो गए हैं, बट नॉट इन एवरी केस. कभी कभी आप लोकल एप्लीकेशन बहुत लंबे समय तक से ट्राई कर रहे होते हैं, तब भी वॉर्ड्स आपके ठीक नहीं होते. ऐसे में आपको ओरल मेडिकेशन भी ज़रूरी है अलॉन्ग विथ लोकल एप्लीकेशन. तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपके काम आएगी और आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करिएगा. मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. लव यू ऑल, बाय.